ये प्यार भरा एहसास साजन का नहीं है, मेरा है। Cut it. सब सही है ना? ओके सर। ओके लिसा, बहुत अच्छी है। लेगी क्या? जरा रिवेंड करना इसको। हाँ, इसको जरा रिवेंड करो। क्या आनंद सर, कैसी है मेरी बेटी? बॉम्बे मॉडल सब, मेरी मतलब है, सब सर झुकता है। लिजी लकी ही नहीं, खूबसूरत भी है। हाँ, दोनों भी है। हे भगवान, किसी की नजर न लगे। तुम्हारी बेटी तो आखिर कुछ पीछे नहीं है ना? आखिर शेर की बच्ची तो शेर नहीं बनेगी ना? ये आप ही कह रहे हैं क्या? हाँ, गुस्सा ना हो मेरे साथ, आखिर ये सब प्रताप सर की काबिलियत है। कुछ मॉडल्स के मम्मी लोग बोलती है, मॉडल्स जैसे भी हो, प्रताप सर के फ्रेमिंग में बहुत बड़े खूबसूरत लगने लगती है कि नहीं शाहजी? एकदम सही कहा आपने, एकदम रावण जैसे सर है ना इनके, है कि नहीं? और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? अगर गुरुजी ही कर सकते हैं तो उसी को ही कॉस्ट्यूम पहनकर नचा सकते हैं ना? ऐसे भी क्या बात है, फ्रेश फेस चाहिए, नए मॉडल चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं अपने प्रताप सर ना। आपकी दुविधा सोच के मैं उनको दिलासा देता हूँ। हाँ। नमस्ते अंकल। तुमको मालूम है कितने देर से ये शूट कर रही है? आओ बेटी। हे कुमार, कैसी है मेरी कॉस्ट्यूम? इसमें क्या इतनी बड़ी है, एक छोटी सी स्कर्ट और उससे भी छोटा एक ब्लाउज। मेरा मेकअप जरा गौर करो, लिसा इससे सुंदर कभी दिखी है क्या? जब हवा मारे मैं जितना उम्मीद किया उतना कपड़ा उठा ही नहीं। ओ, आखिर कैसे हुआ? सुभाष, अति सुंदर लग रहा है। फैन के तरह तरह के एंगल्स के शॉट मेरे को चाहिए, वो भी डिफरेंट रेंज के। माला सर, वर्क इज ऑलमोस्ट ओवर, फैन के कुछ शॉट्स लेने हैं, वो जरा okay, नोट करना। सर, अनु का कॉल। ओ जगह नहीं, आप नहीं, आप जाइए, ये दूसरा। अबे इधर आ। मेरा नाम मधु है, मैंने बहुत बार बोला मुझे ऐसे वैसे नाम से मत बुलाओ। वैसा नहीं, मेरा साथ एक असिस्टेंट लड़का था ना, वो बहुत दुबला पतला सा था, तुम्हारे जैसे लगता है, जब भी तुमको देखता है उसी के याद आता है। जगू भास्कर। अभी तो वो आपको छोड़ के चला गया। आवा, मैं तो उसको नहीं छोड़ा ना काम से, वो अपना जिंदगी बनाने के लिए गया है ना। और तुम जरा पानी लेके आ रहे मेरे। मैं प्रोडक्शन का आदमी नहीं हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, उनको बताता हूँ मैं। अरे तू इधर, तू इधर रुक। एक कल तक यहाँ शूटिंग जब चल रहा था तुमको यहाँ दिखा नहीं, आज जब ये नए लड़की आई तो तू दौड़ के चले आए ना। आज ही आपने लिया था ना, मैं एक हफ्ते से वेट कर रहा था। अच्छा, तू तो स्क्रिप्ट भी पढ़ते हो क्या? और कितना काम है तेरे को यहाँ करने के लिए? वो पंखा जरा घुमा कर रखना यहाँ पे, लाइट्स ऑन। हाँ बेटी, पापा शूटिंग में है ना? हाँ, मैं कल आऊंगा, दो दिन का छुट्टी है। सर लीजिए सर। हाँ, मैं वापस बुलाता हूँ। नमस्ते सर। सुबह एक बार बोला ना नमस्ते, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चोर करते हैं। आप जाइए। मैं कितने बार बोलूं? नहीं बेटी, एक यहाँ एक चोर के बारे में बात कर रहा हूँ, पापा बाद में बुलाता हूँ, ठीक है? हाँ, पंखे के शॉट सब लिए क्या? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। कैसा रिक्वेस्ट? नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, आपको यहाँ बहुत दिन से दिखाई नहीं। लिसी है तो हमें कोई चांस नहीं मिलेगा ना। आप क्यों ऐसा सोचती है? सार के यहाँ एक शॉट एटलीस्ट करनी है, यही है उसकी रिक्वेस्ट। पेपर में पढ़ा था कि आप कोई पिक्चर में हीरोइन की काम करने वाली है। वो नहीं हो पाया सर, रोज पूजा करने वाली एक टीम था उसके पीछे, मुझे मालूम नहीं था। मलयालम के बगैर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मल्टी लैंग्वेज करने के बहाने में थे वो। सच बोलूं तो उसका डायरेक्टर को हिंदी ठीक से लिखने को भी नहीं आता। मुझे भी कंसिडर कीजिएगा सर, गरीब नहीं हूँ मैं, लेकिन ये मेरा पैशन है सर। ओके ओके। माला। यस सर। एक सोप की ऐड है ना? हाँ सर। वो आप कार्तिका को जरा दे देना। नहीं सर, आनंद सर ने लिसी को। लिसा अभी अभी एक सोप की ऐड किया है ना, सर से मैं बात करूंगा। ओके सर। शी विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसे क्या? आई एम सो हैप्पी। ओके, गुरुजी का ऐड है ना, तो इसमें तो ड्रेसिंग पक्का होगा। सोप है या नहाना?
सर एक मिनट रुकिए ना, अब तक सब कुछ ठीक हो रहा था। अभी क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद किससे पूछना चाहिए? वो डायरेक्टर, उसका नाम क्या है? गुरुजी। उसको देख के लग रहा है कि इसके लिए पैसा वो खुद दे रहा है। आपको अभी क्या चाहिए? वो तो सब कुछ कैसा करना है किसी ने नहीं बताया है। ओ मेरे जनाब, वो विजुअल्स है ना उसके ऊपर। किसका ऊपर? अभी जो शूटिंग देखे है ना। हाँ। वो विजुअल्स के ऊपर। अच्छा। आपके पंखे के नाम वो एक्चुअली ग्राफिक्स के जरिए से आएंगे, और ये ग्राफिक्स के ऊपर फीमेल वॉइस में आपके पंखे के नाम एकदम जक्का सुनाई देंगे। फीमेल वॉइस यानी कि लड़की की आवाज में। अरे तब भी औरत की आवाज ही है, इसका क्या करे। सर एक और बात था। सर एक और बात पूछनी थी आपसे। अरे आखिर में क्या मैं सुन रहा हूँ? आपके जैसे इतने बड़ा करोड़पति मेरे को क्या बुलाए? सर बुलाए। बड़ा साहब भी सिर्फ मेरे को विलियम ही बुलाते हैं। आप भी वैसे ही कुछ मेरे को बुलाते हैं। अबे विलियम, मैं तो सिर्फ मजाक में ऐसे ही कुछ बोला, आप तो बड़े सीरियसली ले लिए। ठीक है। अबे विलियम सर, अब इसके बाद क्या होगा? अभी तो पैकअप है ना, स्टूडियो के अंदर वाली काम ही बाकी है अभी। वो आप लोग कर लेना, मैं जो पूछ रहा था वो दूसरी बात के बारे में। मिक्सिंग और ग्राफिक्स के बारे में बात कर रहे हो? अबे मिक्सिंग और ग्राफिक्स नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे फैन के एड में जो मॉडल थी ना, उसका नाम क्या था? लिसा, पूरी नाम एलिजाबेथ। वो जो भी है उससे बाकी बातें बता दिया ना। कैसी बातें? अबे फिर से। अबे जब ये प्रोजेक्ट तुम ले रहे थे तो तुम्हारे पापा और तुमने बहुत सारी बातें मुझसे ली थी, वो सब भूल गए क्या? कौन? लिसा? अरे मेरे प्यारे जनाब, अच्छे से अच्छे बंदों ने उनको पाने के लिए ट्राई किए, नहीं मिला। उनकी मम्मी जो है ना एक राक्षसी है, वो जब जल के उबल के आएगी ना, आपकी कंपनी की सारी पंखे आके इधर चला के देखे तो भी बुझेगी नहीं, यहाँ कुछ भी चलेगी नहीं। अबे नहीं सर, बात ऐसा है कि आपने बोला था सारे मॉडल्स अवेलेबल होंगे करके, इसीलिए सारा पैसा मैंने खर्च किया। अरे मेरे जनाब, मैं तो सिर्फ बोला कि लिजा नहीं चलेगी, और भी मॉडल्स है ना बहुत। अच्छा? सारे और नहीं तो क्या, जक्कास आइटम्स है ना अपने पास। मतलब जो भी मैंने सुना था वो सच है? अरे सच है कि नहीं, गर्मा गर्म सच है। वो ही मुझे चाहिए। क्या गर्मा गर्म सच है? वो सब अक्खा फोर सेल है। फोर सेल, अगर असल में बोलू तो बिकावे के लिए। दो फोर सेल्स। हाय चेहरा देखो, बदमाश गई क्यों? चार साल में सऊदी में था। ये कौन है? वो एक एड शूट के लिए आया है। ऐसा एक स्टूडियो मुझे भी चाहिए माँ। किससे मिलने आई हो? आकाश सर को देखने के लिए आए थे, सर कॉल किया था। आप जो बोल रही है, ये बड़े साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ मैं, ये सारे स्टूडियो में ऑल इन ऑल हूँ। अब बोलिए क्यों आए हो आप? ये बंदा भी इनके साथ ही है क्या? एक्चुअली मैं भी कुछ ऑल इन ऑल जैसा ही हूँ। वो बंदे के लिए आप दो लोगों की जरूरत है क्या? वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, एक काम बोला था। हाँ ये अंडरगार्मेंट्स जैसा कोई उसी तरह का काम है, ये लेडीज लोगों का। लेडीज नहीं, बॉडीज, बॉडीज। ये बच्ची है क्या मॉडल? हाँ यही है, ये मेरी बेटी है। जरा उठो। अरे आप क्यों उठ रहे हैं? आप बैठिए ना, आप बहुत जगह उठना बैठना किए हैं ना, आप उठिए। जरा पलटिए। अच्छा बड़े साहब, ये लड़की को देखे क्या? हाँ फोटोस देखा था। फोटो क्या, 3D है क्या? अरे वाह। कितना बदतमीज है। और मैं क्या? नहीं तुम नहीं, वो बंदा जो पैसा खर्च कर रहा है उसको कोई वैल्यू नहीं। हाँ ऐसा ही। देखो अब बैठ जाओ। वो कौन था?
इधर का एक आदमी है, वो उतना अच्छा आदमी नहीं है। हम लोग उससे ज्यादा बात नहीं करते हैं। उससे आप लोग ज्यादा बात मत करो। तुम डरना नहीं, ये तो चलता ही रहता है। जनाब आप चलिए हमारे साथ। चलिए। नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता था। वो बच्ची की माँ है ना, तुम्हारे सर से बोल के कुछ तो पूछ रहे थे। वो क्या है? वो एक्चुअली अंडरगार्मेंट्स बोल रहा था। अंडरगार्मेंट्स? वो क्या चीज़ वो है? वो कुछ ऐसी वैसी बात नहीं, अंदर पहनने वाली गार्मेंट्स। वो लड़की क्यों आई है? वो उस एड में काम करने के लिए आई है। सिर्फ ये अंडर पहन के कैमरा के सामने वो लड़की? वो एड तो वैसा ही करना है ना। अरे बापरे, हम देख सकते हैं? वो एड जब रिलीज होगा तब हम सब देखेंगे ना। वो बात नहीं, मुझे सीधा देखना चाहिए। एकदम ठान के है क्या? एकदम ठान के है क्या? सीरियस? मैं अरेंज करूंगा। सच्ची में? बहुत सालों से मैं इंडिया से बाहर था। हमेशा लोग कहते थे बिजनेस चालू करना चाहिए। वैसा ही मैंने ये चालू किया था। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही कोई अंडर बिजनेस शुरू किया तो महीने भर एक एक ऐड करेंगे। क्या बड़े साहब, दोनों मिलकर बहुत बड़े चर्चा कर रहे हैं। क्या बुलाया तुमने? बड़े साहब? ओह क्या बात है, मेरे कंपनी में जो काम करते हैं वो नहीं बुलाते मुझे? क्या वो सब रहने दो, अभी बात क्या है? ओ क्या बताऊं आपको, सब कुछ हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा क्यों विलियम्स? एक्चुअली वो बोल रहा है उसको लीजा चाहिए। वो मैं देख लूंगा। सच में? एकदम 100%। आप जरा जाके आइए बड़ा बाबू। हाँ विलियम्स, तू इधर आ, काम पैकअप हो गया, तू एक बार और मेरे को दक्षिणा देना पड़ेगा। ये काम तू जितना सोचा इतनी आसान नहीं है। कौन सा काम? यही ना, अरेंजमेंट्स। चल अब चलते हैं। देखा क्या बताया उसने, मैंने जो वीकनेस बोला उसको सारा रेस्पेक्ट चला गया। मेरे जैसे लोगों के बारे में किसी ने समझा नहीं। हेलो अशोक, बोल भाई कहाँ है तू? मैं असल में तेरे को बुलाने वाला ही था, एक काम था। क्या रे? तेरे पापा के पर्सनल स्टाफ ने मेरे को बताया। एक मस्ती वाली बात है। मेरे पापा के पास मेरे जाने बिना एक मस्ती, ये कैसी बात है? चलो एक काम कर, तू स्टूडियो में आ जा, हम वहाँ बैठ के बात करते हैं। अरे गणपति बप्पा, लोगों में आया। आइए सर। बड़े साहब यही है वो लड़की गंगा। चेहरा अच्छा है, साइज ये काफी है क्या? अब वो सब मैं देख लूंगा सर। ओ ठीक, देखा बड़े साहब को पसंद है, चलो नाप लेते हैं। अरे बच्ची, कसाई की बकरी की तरह ज्यादा तुम डरो मत, मेरे को जरा नाप लेने दो तुम्हारा। अबे ये जरा पकड़ो, नाप जरा सही सही तुम लिखना। तैतीस। मैं नाप लू क्या? ठीक है मैं लिखूंगा। चौतीस। अरे मेरी माँ। बत्तीस। बड़े गौर से देखना है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा गलती हो गया। बेटी जरा इधर आके खड़ा हो जाओ। इधर आ जा। क्या नाम है आपका? गंगा। नाइस नेम, मैंने पहले आपको देखा था। कब? एडवर्टाइजमेंट में। शाजी सर, कुमार सर, मैं चलती हूँ सर। मेरी कॉस्ट्यूम कहाँ है? क्या नाम बताया? गंगा। पहले गंगा ही बताते हैं, बाद में नाम बदल देता है। माँ। ठीक है चलो चलो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ओके बाय। पहले तू चल, देखो कैसे नए नए लड़कियाँ आ रहे हैं। एक अच्छा एड मिला है तो बस रॉकेट जैसे ऊपर जा रहे हैं। अगर चांस मिला है तो न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ माँ, जाकर कैमरे के सामने खड़े रहूँ क्या? ऐसे मैंने कुछ नहीं बताया, ये सब आनंद सर की खेल है। यहाँ तो बहुत सारे कंपनी से है माँ, आप क्यों ऐसे चिंता कर रहे हैं? लिसा तुम ऐसे बात मत करो। मेरी प्यारी माँ, यहाँ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं चलती है माँ, मॉडल होने के लिए किस्मत भी होनी चाहिए। वो मुझे है, देखो
ये अंडरगार्मेंट्स इतना बुरा भी तो नहीं है ना? ये इस प्रपंच में सभी लोगों को नचाती है। इस दो चार फोटोज के लिए कितना दाम पता है तुझे? 25,000 है। उस पैसे को बुढ़िया और बेटी ले जाएंगे। मैं कुछ अलग तरह से सोचूं माँ। क्या है, क्या है, क्या है बताओ? जो प्रोडक्ट्स उसने बताए हैं सिर्फ हम लोगों के लिए थोड़ी है माँ, आप जैसे माँ लोग भी पहन सकते हैं। वो सब पहनकर आप भी एक मॉडल दिख सकते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। मधु हाँ, मेरी स्वाति मेरी बात तो सुनो। मैं बस एक मामूली सा ड्राइवर, मैं यहाँ पे कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, वो सब किसी और का काम है। हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में सब लोगों को बताया है मैंने, थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद देखना क्या होता है। आहा, एक मिनट होल्ड करना। ए, मधु, वो लिजा का काम खत्म हो गया, वो गाड़ी लेकर उनको भेज दो। ठीक है सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वही बात कर रहा था ना, एक एक्ट्रेस को हेल्प करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। यही है साइनोरा स्टूडियो का कॉस्ट्यूम रूम। हमारे इंडस्ट्री के सबसे सुंदर कलाकार इसी कॉस्ट्यूम रूम में आके चेंज किए हैं। वो कब कॉस्ट्यूम खोले या पहने वो मैं डिसाइड करता हूँ। इस जगह का राजा मैं ही हूँ। वैसे उमा जी, शुरू शुरू में ये सब प्रॉब्लम, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखना, शर्माने से कोई काम नहीं चलेगा। ये कलर देखे ना, एक बड़ा लकी वाला कलर है। अगर ये कलर पहन के आप अगर शुरुआत करें तो आपको आईंदे ये पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ, ये दोनों पहनकर मैं कैसे? तुम क्या बात करती है, अंडरगार्मेंट्स का एड को कोई साड़ी पहनता है क्या? आप लोग जरा बाहर खड़े हो तो मैं पहनाऊंगी इसको। अच्छा ठीक है, कोई भी पहन लो। यस सर, जब तक अंदर है ये गेट को बंद। ओके सर, लो ये रखो। अच्छा देखो, लड़की बहुत छोटी है, प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? तब चलो, मिनिस्टर के लड़कों के लिए क्या प्रॉब्लम है। अरे आप चलिए तो सही। तू ये सब फोटो देखो, हिंदी तमिल एक्टर सब लोग कितना अच्छी तरह मॉडल बन जाते हैं। अजहर लोगों को बीच में वो लोग शूटिंग करते हैं, बाद में कितना फेमस हो जाते हैं। मैं तुझे अभी एक बात बताती हूँ, लेडीज का सौंदर्य सभी लोगों को दिखाना चाहिए। मगर माँ, क्या अगर मगर, मेरी फोटो रोड के बोर्ड में आएगा तो मेरा भविष्य क्या होगा? तुम अच्छी तरह कमाएगी तो ज्यादा फेमस हो जाओगी ना। तुम्हें मालूम है एक हिंदी फेमस आर्टिस्ट को ब्याह करने के लिए कितने लोग झगड़ा करते थे? मुझे वो सब पता नहीं है, वो सब झूठ हो, मुझे यकीन नहीं है। देखो, इस तरह तुम बात करेगी तो पैसा कमाने में पीछे रह जाओगी। अभी तुम मेरी बात मानो, तुम ज्यादा मत सोचो, एड के लिए तैयार हो जाओ। ये पहनो। अच्छा, आजा जल्दी आ। अरे आइए आइए आइए, विराजिए, आपके सीट पे बैठिए। आप भी आएगी। अगले एक घंटे के बाद ये शो चालू होने वाली है। आजकल सब लड़कियां खराब होने के कारण एक ऐसी माताएं हैं, देखा कैसे खुलवा रही है उससे। ये सब घर में पता चलेगा तो मेरा जान ले लेंगे वो। हाँ हाँ, मालूम है, वो भी बहुत शरीफ है ना। सेंट जॉन्स, पहले गाड़ी निकालो। क्यों ऐसे कर रहे हो माँ? मधु माय डियर, तू चुप रह, वहाँ एक आदमी को हाथ पांव दौड़ रहे होंगे। ये माँ और बेटी कहाँ गई है इतनी देर? बहुत टाइम हुई है ना। बेटी डायना, इतनी देर लग रही है नहाने में, एक घंटा से ज्यादा लगती है नहाने के लिए। भैया,
आप माँ की बातों का लेकर बुरा मत मानना प्लीज। वो सब मैं दिल पे नहीं लेता हूँ। अरे ओ क्यों बुरा मानेंगे, वो तो हमारे आदमी है ना। तू अंदर आओ। देखो मम्मी और बहन आए हैं। पापा आजा बेटी। क्या काम किया आज आपने? बहुत अच्छा ऐड है। 1 मीटर कपड़े को लेकर एक स्कर्ट और ब्लाउज बनाया है, उसे देखने के लिए इतना सारा लोग। तुम क्यों बिटिया को ऐसे कपड़े पहना? ओ दया रे दया, पापा ने बहुत कमा कर रखा है 2 लड़कियों के लिए। इसे लेकर अंदर जाओ। मेरी जान कुछ नहीं है क्या? हाथ कांप रहा है। पूरा नहीं पीना। तू आजकल कुछ बढ़ रही है। कहा? वो नहीं, दारू। वो तो सच है। देखिए ये सब आपने कमाया नहीं, मैं और मेरे बेटे बहुत मेहनत से कमाया है। आपकी परमिशन मुझे नहीं चाहिए। बोल ना लिसा। कहने के लिए कुछ नहीं है डायना, मुस्तफा नामक एक आदमी है, उसके लिए फैन का एक एड आया है। वो टीवी में आएगा क्या? जरूर। हाँ दीदी, मेरे लिए गर्म पानी डालना प्लीज। कुछ भी चाहिए तो दीदी, वरना कुछ भी नहीं। देखो बेटी, मेरे लिए भी कुछ गर्म पानी चाहिए। मेरा बैक पेन तो बहुत ज्यादा हो गई है। उतना काम क्या किया है आपने? वहाँ काम तो मैंने किया है ना। क्यों नहीं पूछेगी तू? तुझे एक फूल जैसे संभाल रही हो ना, मेरे लिए कुछ काम नहीं लगते है तुझे। बस कीजिए माँ, पहले तू बस करो। आओ बेटी। लो ये वो लड़की से साइन मंगवाओ। लो ये भी लो। ये लीजिए। मैं चाहती हूँ सर। ये लड़की ये कर पाएगी कि नहीं, बहुत बार मेरे से पूछे थे। मैं ही एक्चुअली इसको फिक्स किया। इसके लिए कुछ खर्चा पानी है? सब संभालूंगी। अभी मैं किसके पास जाऊं? बोलो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। बेटी मत बुलाओ, मुझसे बात मत करो। हम लोग गरीब है ना, मुझे माफ करो बेटी। ऐसे बातें मत करना, किसी और से जाकर कहना। अगर माँ को पता चला तो बस मार देगी। रात को इसी तरह जोर का बारिश, ट्रेन में सफर, जब भी मैं सोचता हूँ डर लग रहा है। आपको ये सब याद नहीं है क्या? हाँ, वो सब भूलने के लिए है ना, अब भी यहाँ बैठकर रो रही हूँ। नहीं तो मैं और मेरी बेटी जीवित नहीं रह सकती। शुरू कर दिया। हाथ में पैसे देकर, पीने के लिए भी लाकर, इनकी रोना भी सुननी पड़ती है। हे भगवान, तू ये सब बोल सकती है क्योंकि तेरी बेटी एलिजाबेथ को शान शौकत और जेब भर के पैसा है, लेकिन मेरी बेटी को क्या है? डायना के हाथ में क्या है? शुरू कर दिया। सुनिए, आपके पहले पत्नी मरने के बाद एक छोटी बच्ची को लेकर पी रहे थे आप। मरने वाले मैं और मेरी बेटी को रक्षा कर दिया। पति मरने के बाद एक छोटी बच्ची को लेकर असहाय